नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ आपके YouTube चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर। और जो टिप्स बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना, क्योंकि जितने भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप अगर अप्लाई करने वाले हैं कुछ दिनों में, अगर आपका मोनेटाइजेशन या फिर जो भी आपकी शर्तें हैं जैसे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर ये पूरे होने वाले हैं और आप या फिर अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपका चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मोनेटाइज हो जाए और आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में ज्यादा वक्त ना लगे। कई लोग होते हैं जिनको महीने दो महीने भी लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और आपको क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है तो भी आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये गलती आपने अभी नहीं करी और आने वाले टाइम में अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं कि आपको आखिर क्या नहीं करना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है और उसकी जो वैलिडिटी होती है 3 महीने की, वो अगर अभी तक समाप्त नहीं हुई है तो आपको आपके चैनल को अप्लाई नहीं करना चाहिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स आपके हो गए, एट द सेम टाइम आपके उसी चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक अगर आई हुई है और उसी टाइम आप अप्लाई कर देते हो, तो आपका चैनल कई दिनों तक जो है रिव्यू में पड़ा रह सकता है और आपका चैनल हो सकता है कि रिव्यू ना हो कुछ महीनों तक, जब कि आपके चैनल से वो स्ट्राइक ना हट जाए। तो ऐसे में आपको अपना चैनल जो है वहां पे रिव्यू के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके चैनल से अगर स्ट्राइक हट जाए कुछ महीनों में, तब भी आपका चैनल कई दिनों तक जो है रिव्यू में पड़ा रहे। तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए जब तक कि आपकी वो स्ट्राइक हट नहीं जाती है पूरी तरीके से। देखिए, अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेजना चाहते हो और आपके किसी वीडियो पर, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉच टाइम आया है जो कि वायरल हो गई और उसी की वजह से आपका जो है मेन वॉच टाइम सबसे ज्यादा जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और उस वीडियो पे आपके कोई कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, तो ऐसे में आपको मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपका चैनल हो सकता है कि रिव्यू में पड़ा रहे। अगर वो लगभग वीडियो थोड़ी बहुत अगर आपके कॉपीराइट क्लेम आती है, मान लीजिए कि पूरी वीडियो आपकी है और बीच में कुछ हिस्सा जो आपका कॉपीराइट क्लेम से प्रभावित है, तो ऐसे में आप अगर रिव्यू में भेजते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी पूरी की पूरी वीडियो कॉपीराइट क्लेम से प्रभावित है और आपकी ज्यादातर चैनल पर जो वीडियोस हैं वो सभी कॉपीराइटेड हैं, तो ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइजेशन में समय लगा सकता है या फिर आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो सकता है। यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि यूट्यूब उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है आपके एप्लीकेशन को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके किसी वीडियो पर अगर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है और उसी से आपका मेन वॉच टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और वो वीडियो ज्यादा कॉपीराइट क्लेम से प्रभावित है, उसका ज्यादातर हिस्सा कॉपीराइट क्लेम से प्रभावित है, तो ऐसे में आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि भाई उसी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई और दूसरा कंटेंट बनाओ, तो ऐसे में उस पे भी व्यूज आने के चांसेस होंगे, तो आप इंतजार करो कि आपके भाई दूसरी वीडियोस पर भी ज्यादातर व्यूज आए और ज्यादातर वॉच टाइम उससे भी कंप्लीट हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो में सारे रहोगे तो हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डिसअप्रूव भी हो सकता है और इसके अलावा बहुत समय भी आपके चैनल को लग सकता है रिव्यू के लिए। चलिए अब जान लेते हैं तीसरी टिप कौन सी है। देखिए, अगर आपके चैनल पे आपने कोई बैड कंटेंट वाली वीडियो अपलोड की हुई है और उससे अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है और आपके चैनल की थीम ही लगभग वैसी है कि भाई उसी तरह के कंटेंट आप अपलोड करते हो यूट्यूब पर, तो हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव ना हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि चौथी चीज कौन सी है जिससे कि आपका चैनल पे जो आप अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए, तो उससे आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डिसअप्रूव हो सकता है। देखिए, चौथी चीज जो है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत से लोग इस चीज को बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको वॉच टाइम जल्दी से जल्दी गेन करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो कोई मूवी लेते हैं और उस मूवी को वो अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पर। तो ऐसे में जो मूवी वो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, अगर वो सर्च रैंकिंग आ जाता है और अच्छी खासी व्यूज उस पर आ जाते हैं, तो उनका वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब लेकिन वो वीडियो या वो मूवी जो है वो उन्होंने जो अपलोड की है वो उनकी तो है नहीं, तो ऐसे में अब देखिए कुछ वीडियोस होती हैं या कुछ मूवीज होती हैं जिन पे की तुरंत आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है, या कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भी आ सकती है,
और कुछ ऐसी मूवीज होती है जिनपे की बहुत समय तक नहीं आ पाती है, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक या कुछ, ठीक है, यूट्यूब इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो मूवी अगर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में भी वो चीज नहीं आ पाती है फिर स्ट्राइक वगैरह, तो ऐसे में आपके होस्ट टाइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूरा हर चीज आपकी हो जाती है, 1000 सब्सक्राइबर सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो यूट्यूब की टीम जो है उस चीज को देखती आपके चैनल पे है कि आपकी कौन सी वीडियो जिस पे बहुत ज्यादा वॉच टाइम आया है और कौन सी वीडियो ऐसी है जिस पे अच्छे खासे व्यूज आए हैं और किस तरीके की आपके चैनल की कैटेगरी है। अब देखिए वो जब ये चीज देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा साफ साफ कि भाई आपने एक मूवी अपलोड की थी उस पे अच्छे खासे आपके वॉच टाइम आ गया जिससे कि आपका 4000 घंटे पूरा हो गया। अब देखिए वो क्या होता है कि फिर वहां पे YouTube की नजर पहले नहीं पड़ती उस चीज पे, लेकिन बाद में जब आप अप्लाई करते हो तो YouTube की टीम इस चीज को देखती है और समझ जाती है कि आपने क्या उसमें गड़बड़ घोटाले किया आपने चैनल पे, तो ऐसे में आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसअप्रूव हो सकता है और आपके चैनल के लिए जो आप अप्लाई करोगे मोनेटाइजेशन के लिए उसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है, टाइम काफी लग जाए, मान लीजिए महीने दो महीने लग जाए और महीने दो महीने के बाद भी डिसअप्रूव्ड हो जाए, तो ऐसे में एक तो टाइम ज्यादा लग गया और फिर बाद में डिसअप्रूव और हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कोई मूवी अपलोड करते हो वहां से अगर कोई वॉच टाइम आता है तो आप खुश मत होइएगा कि आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और इतना हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका चैनल डिसअप्रूव होगा ये पूरी गारंटी है, क्योंकि अगर आपके पास उस चीज का कॉपीराइट नहीं है तो ऐसी चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हमारे अगले कारण के बारे में जिससे कि आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन डिसअप्रूव हो सकता है। देखिए हमारे अगले कारण के अंतर्गत क्या होता है कि आपकी कोई वीडियो आपने अपलोड की, ठीक है, यूट्यूब पर और उस वीडियो पर जो ट्रैफिक आता है जैसे कि कई ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं आपको पता है वही यूट्यूब सर्च होता है, ठीक है, सजेस्टेड वीडियोस होती हैं या फिर ब्राउज फीचर होता है, अदर यूट्यूब फीचर्स होते हैं, कई तरह के ऐसे ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर आपकी जिस किसी भी यूट्यूब वीडियो पर ज्यादातर वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है यानी कि जो आपके 4000 घंटे होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपके जिस वीडियो से आपके वॉच टाइम आया है और उस वीडियो पे जो ट्रैफिक सोर्स है जहां से कि आपकी उस वीडियो पे ट्रैफिक आया वो अगर एक्सटर्नल है तो ऐसे में आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन डिसअप्रूव्ड हो सकता है, जो आप एप्लीकेशन भेजोगे अप्लाई करोगे वो डिसअप्रूव्ड हो सकता है। ये एक्सटर्नल में भी बहुत तरह के एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि ये व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, यहाँ से भी कई एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं और इसके अलावा जो है गूगल बिंग याहू जैसे जो एक्सटर्नल सोर्स है ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज में ही गिने जाते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर कोई सर्च करके आपकी उन वीडियोस पर आता है तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स में ही गिने जाएंगे। अगर आपकी गूगल वगैरह से अगर आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब के अलावा अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास सोर्स है जैसे कि फेसबुक पे कोई आपको कोई फ्रेंड है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है या किसी भी अलग तरीके से जैसे टेलीग्राम वगैरह हो गया वहाँ किसी को बोलते हो कि भाई आपकी वीडियो की लिंक शेयर करें, वहां से जो ट्रैफिक सोर्सेज अगर आपकी उस वीडियो पे आता है जिससे कि वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है तो ऐसे में यूट्यूब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी आपके ट्रैफिक आता है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं वो लिंक शेयर किया और वहां से कोई ट्रैफिक आपकी वीडियो पर आ रहा है, तो ऐसे में जो है आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं लास्ट कारण के बारे में कि जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आपने अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए किसी पेड सर्विस का यूज लिया है या फिर अगर आपने अपने वीडियोस पर व्यूज वॉच टाइम बढ़ाने के लिए किसी भी पेड सर्विस का यूज लिया है जैसे कई वेबसाइट्स हैं वो ये कहती है कि आप उनको कुछ पैसा दीजिए और वो बदले में आपको वॉच टाइम और आपको सब्सक्राइबर्स दे देती है, तो ऐसे में अगर आपने इन सब किसी चीज का यूज किया है तो आपका मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो सकता है और जो भी आप अप्लाई करोगे भाई कि आपके 4000 घंटे पूरे हो गए YouTube को तो वो रिव्यू करने के बाद जो है आपके उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं और आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये कारण थे कुछ जिनकी वजह से अगर आपने ये सब चीजें की है तो आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन के इनेबल्ड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।